अपने आज के वीडियो में हम कछुआ ड्रॉ करना सीखेंगे। तो चलिए बनाते हैं। कछुआ बनाने के लिए सबसे पहले ओवल शेप बनाएंगे। दो तीन तरह से बनता है, मैं आप सभी को दिखा देती हूँ किस तरह से ड्रॉ होता है, फिर बाद में मैं आप लोगों को सजा के भी दिखाऊंगी। ये ओवल शेप बना लिया इस तरह से। इसको भाई इसका एक बॉर्डर बना लेंगे उसी शेप में और लाइंस को डबल कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए मैंने इसको डबल कर लिया है। अब इसके ऊपर में फेस बनाएंगे। बहुत ही आसान है बनाना, इस तरह से करके और ऊपर लेकर हल्का सा हार्ट जैसा बना देना है। बस ये फेस इसका ड्रॉ हो गया। इसको बहुत आराम से डबल कर लेंगे। इसके बाद ये जो कछुआ बनाना है ये मधुबनी पेंटिंग का मतलब मिथिला पेंटिंग का भी सबसे पुराना तरीका है। जो पहले लोग बनाते थे तो इसी तरह बनाते थे। अब जो बनता है तो अब इसमें अलग अलग इन्वेंशन हो गए हैं। अब लोग रियल की तरह भी बनाने लग गए हैं। तो जैसे जैसे समय आगे जाता जा रहा है इनमें भी थोड़ी बहुत चेंजेस आ रहे हैं। तो इस तरह से इसको कर लेंगे। इसी तरह इसको भी कर लेंगे। इसकी यहाँ ऐसे बनाते हैं, कुछ इस तरह से बनाते हैं। मैंने पहले ही आपको कहा है कि ये पहले की तरह बन रहा है, जैसे पहले ज़माने में स्टार्टिंग पारंपरिक तरीका है ये कछुआ बनाने का। मैं दूसरा ड्राइंग भी आप सभी को दिखाती हूँ कि किस तरह से बनता है। इस तरह से आँखें बना देंगे इस तरह से। इसकी बॉर्डर ऐसे सजाना तो आपको पता ही है, मधुबनी पेंटिंग में सजाना बहुत इम्पोर्टेंट है। इस तरह से कर लेंगे, इस तरह से इसको भी डबल लाइन करके कंप्लीट कर लेंगे। अब इसको मैंने कर लिया है, अब इसको सजाएंगे। तो इसको हम बाद में सजाएंगे, पहले हम आपको कछुए की दूसरी ड्राइंग बता देते हैं। अब दूसरा ड्राइंग बनाने के लिए ये तो ऊपर का व्यू हो गया, अब साइड का व्यू देखिए किस तरह बनाएंगे। नीचे एक लाइन खींचेंगे, बहुत ही सिंपल है। नीचे एक लाइन खींचेंगे और देन ऐसे आधा चांद इस तरह से, और इसको ऊपर से सेमी सर्कल बना देंगे इस तरह। ये हो गया। अब इसके अंदर कछुए का फेस बना देंगे। ये बन गया। है ना सिंपल। अब इसके यहाँ पे पैर बना, लाइंस को डबल कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने लाइन डबल कर लिया और इसको यहाँ पे सजा दिया है थोड़ा बहुत। चलिए अब तीसरी ड्राइंग भी देख ही लेते हैं। जो अभी आजकल लॉकडाउन में समुद्र तटों पे बहुत जगह देखा होगा कि कछुए निकल रहे हैं, तो वो वाली ड्राइंग हमें क्यों ना कर लें। थोड़ा सा जो मैंने कहा भी था कि अभी इन्वेंशन हो रहे हैं ड्राइंग में भी, तो इस तरह से एकदम रियलिस्टिक तो नहीं है पर थोड़ी सी कोशिश की है मैंने इस तरह से। देखिए एक ये शेप बना लिया मैंने। ये लाइन्स डबल कर लेंगे, इसका फेस बनाएंगे। कछुआ बनाना बहुत ही आसान है इस तरह से।
ये हो गया, लाइंस को हम डबल कर लेंगे अभी। और यहाँ पे कुछ इस तरह की देखे मैंने ये, इसको डबल कर लेते हैं और थोड़ा बहुत सजाने की कोशिश करते हैं। इस तरह से मैंने इसको बना लिया है और यहाँ लाइंस को डबल जो किया था उसमें छोटी छोटी लाइंस डाल दिए हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और इस तरह से मैंने इसके पंजे ये सब तो बना दिए थे, अब इसको सजाते हैं। तो सजाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर लाइन डाल देंगे बस, सिंपल सी जो पत्ते वाली डिज़ाइन होती है वो यहाँ डालेंगे दोनों तरफ से। और जो इसमें मैंने ये डिज़ाइन डाला है तो इसमें क्या करेंगे, बहुत हल्का हल्का सा, बस आधा आधा, पूरा नहीं, लाइन कंप्लीट नहीं करेंगे, बस थोड़ा थोड़ा डालेंगे। और ये बहुत आराम से बनाएंगे, ये बहुत ही खूबसूरत बनेगा। इस तरह से इसको, इनको सबको कर लेंगे ऐसा ही सब में। ये इस तरह से कर लेंगे इसको, ये हो जाएगा। इसके बाद इसमें कोई सा डिज़ाइन डालेंगे, तो चलिए इसमें रेड से डिज़ाइन डालते हैं, ये राउंड वाला। ये बहुत जल्दी बन जाता है इजीली, ये ऐसे पूरा करते जाएंगे। और जो ये थोड़ा थोड़ा नीचे में स्पेस बचता है उसको एट ए टाइम भरते जाएंगे साथ के साथ, तो ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको सजा लिया है, इसको मैंने इस तरह सजा लिया। और यहाँ भी इसको भी मैंने लाइंस कर लिए हैं। अब इसके बीच का पार्ट बचा हुआ है, तो बीच के पार्ट के लिए क्या करेंगे कि इनको डबल लाइन कर देंगे। और इसमें इसको सिंपल सा डबल लाइन, एक बार इधर से और फिर दूसरी तरफ बार इधर से। और इस वाले में क्या करेंगे कि छोटा छोटा स्टोन की तरह जो देखा होगा इस तरह से करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे पहले। चार लाइन मैंने डाल दी है, बीच वाले लाइन में ऐसे ऐसे बना देंगे इस तरह से छोटे छोटे राउंड राउंड डिज़ाइंस को। बस इनको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस इस तरह से डिज़ाइन डाल देंगे पूरा, ये इस तरह डालते जाएंगे सबको, सबको डबल कर लेंगे सारी लाइंस को। और फिर हमें लाइंस ही फिल करेंगे, कचनी कचनी बनाएंगे। देखिए इसको मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है, कितना सुंदर लग रहा है ये। ये देखिए इस तरह से, तो इस तरह से हमने आज तीन तरह के कछुआ बनाना सीखे। एक और है वो मैं आपको, उसके लिए बस एक वीडियो चाहिए क्योंकि वो अलग है और वो बहुत सुंदर लगेगा देखने में, वो हम आपको कलरफुल में सिखाएंगे। तो हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।